सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वीकेडी ब्लॉग्स। तो गाइज होप आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे। तो गाइज आज के वीडियो में कुछ आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप राइड करते हो, स्पेशली आज हम ट्रैफिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रैफिक में आप राइड करते हो तो आपको कैसे राइड करना चाहिए एंड किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके भाई ने काफ़ी राइड की है स्कूटी से और पहले भी हम राइड करते आ रहे हैं बाइक से, तो आपको इतना जो अपना एक्सपीरियंस है शेयर तो कर ही सकता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ट्रैफिक में और कैसे राइड करना चाहिए। तो देखो, आप अगर न्यू स्पेशली न्यू बंदों को ज़्यादा काम आएगा जो अभी राइडिंग स्टार्ट किए हैं और ट्रैफिक से भाई डरते हैं। देखो ट्रैफिक में यार सभी को डर लगता है, डर लगने का कारण भी है इसकी, ट्रैफिक में बंदे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको डर लगता है, गाड़ी ज़्यादा बार बार बंद होती है, प्लस बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। तो ट्रैफिक में स्पेशली आज आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि ट्रैफिक में कैसे आपको राइड करना। तो यहाँ पर अपना लाल बत्ती है, सबसे पहले आपको रूल फॉलो करना कहीं भी राइड करने से पहले, तो अपना लाल बत्ती है तो यहाँ पे हम रुकेंगे जितने भी 90 सेकंड वेट करेंगे। ठीक है, राइड करने के लिए गाइस काफ़ी थोड़ा हार्ड होता है, जो नॉर्मल राइड होता है ना, स्पेशली आपको जगह मिलता तो आप लोग राइड कर लेते हो। ट्रैफिक देख के कई सारे बंदे भाई होपलेस हो जाते हैं, तो ट्रैफिक में राइड करने के लिए गाइस आपको चाहिए पहली चीज़ तो भाई कॉन्फिडेंस, सारा तो नहीं बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई आपसे गलती भी होगी तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, उसको भाई सुधार सकते हो। जो भी सिचुएशन आएगा गाइस उसको आप केयरफुली तरीके से हैंडल करोगे, होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना। और दूसरा चीज़ चाहिए गाइज आपके अंदर भाई जो होता है ना पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए भाई, आपको काफ़ी गाइज रिलैक्स होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक में आपको बहुत देर हो गया, आप थोड़े चिड़चिड़े हो गए या किसी ने हल्का सा टच कर दिया आपकी गाड़ी को या आपने टच कर दिया तो भाई लड़ाई करना स्टार्ट कर दो। ट्रैफिक में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि बंदे भाई बहुत ज़्यादा गाइज रोड रेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जब कुछ लग जाएगा गाड़ी में या आपसे ही लग जाए तो बहुत पंगा हो जाता है। स्पेशली दिल्ली की बात करें तो भाई यहाँ पे बंदे तो भाई चलते फिरते आके गोले गाइज, गलती आपसे होगी या नहीं होगी बंदे लड़ना स्टार्ट, तो आप ये चीज़ का ध्यान रख के चलना कि भाई आपको काफ़ी गाइस काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हो जाए, थोड़ा मोड़ा स्क्रैच लगा आपके गाड़ी में दूसरे में लड़ना स्टार्ट हो जाओ, ऐसा नहीं भाई। सिचुएशन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से गाइस हैंडल करो, बहुत ही ज़्यादा कूल रहो, कूल रहना बता रहा हूँ कि मैं ट्रैफिक में आपको कूल रहना है। ट्रैफिक देखो ऐसा होता है कि अभी यहाँ 5 मिनट का 10 मिनट का घंटे घंटे होता है, तो आपको याद है भाई घबराना नहीं है और ना ही भाई किसी को कुछ बोलना है। अगर कोई आपसे बोलता है कि थोड़ा आगे ले ले, थोड़ा पीछे ले ले, आपको आगे ही पीछे गाड़ी को कर लेना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं क्यों लूँ, दिख नहीं रहा, जगह नहीं है। मैंने देखा गाइस कई सारे बंदे भाई लड़ाई करना स्टार्ट कर जाते हैं। खुद का अपना ही आपको एक घटना बताता हूँ, मैं राइड कर रहा था, उस वक्त गाड़ी भी नहीं थी, साइकिल चला रहा था, मैंने कार वाले के पीछे आगे रोका, ठीक है, पीछे आगे रोका, कार वाला भाई उतर के बोल रहा कि भाई मेरी साइकिल को, सॉरी मेरी गाड़ी को क्यों ठोक दिया। मैंने बोला भाई साइकिल देख लो कितनी दूर खड़ी आपकी गाड़ी से, कैसे ठोक दिया। मैंने बोला नहीं, अंदर आवाज़ आया ढक्की करने की भाई, मैं ज़्यादा बहस नहीं किया, मुझे पता है कई बंदे होते हैं गाइस बहस करोगे ना उसको समझ में नहीं आता, सिंपल सा होता है भाई, वहाँ से आप चुपचाप निकल लो, शांतिपूर्वक सिचुएशन को भाई टाल दो। हाँ ले जा रहे हो भाई, टाल लो सिचुएशन को कैसे भी करके, वहाँ से केयरफुली तरीके से रिस्पॉन्सिबली तरीके से आप भाई क्या करने में लगा गाड़ी है, इंडिकेटर तक नहीं है गाइस इसके, तो आप गैस भी कर गए उस मसले से ना निकल जाओ बस। मैं नहीं बोल रहा भिड़ने के लिए, मेरा पॉइंट ये राइडिंग करने का ट्रैफिक में कि भाई आपको बहुत ज़्यादा कूल रहना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा कि आपसे गलती हो या सामने वाले से रहो तो आप अच्छी तरीके से भाई वहाँ से निकल जाओ, लड़ाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में ही लड़ाई होती है जो रोड पर आप चलते हो, गलती होगी भाई बंदे लड़ पड़ते, पता नहीं क्या ही होते बंदे, मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना ही मैं कभी होने देता भाई, फटाक से निकल जाओ सिचुएशन से, लड़ना वड़ना नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ट्रैफिक में राइड करते वक्त, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है गाइस। यहाँ बंदे हॉर्न हॉर्न दे जा रहे हैं ना, हॉर्न से याद आया आपको भाई ज़्यादा हॉर्न नहीं देना, आपको पता सामने रास्ता नहीं है, लाल बत्ती है, जब भी कई लोग हॉर्न देते रहते हैं आप चीज़ नोटिस करना है, हॉर्न पे हॉर्न दे जा रहा बंदा, इसमें भी इरीटेट होता है भाई, ज़्यादा हॉर्न मत दिया करो बेफालतू में, ज़रूरत हो एक दो बार ऐसे कर दिया बस, वरना फिर रहन दो, दो ही पुश काफ़ी हॉर्न के लिए, नहीं कि दबा के रखे जा रहे हो, बंदा इरीटेट होगा फिर तो भाई वो लड़ेगा ही लड़ेगा, ऐसा नहीं करना ना, सबको छोड़ देना बिना लाल बत्ती के, दिल्ली जाम हो जाएगा, कोई खुलवा नहीं पाया, कसम से बोल रहा हूँ भाई, इतना ट्रैफिक रहता दिल्ली में, इसलिए हर 100-200 मीटर पर आपको लाल बत्ती मिलेगा, यहाँ पे एक लाल बत्ती है, अगला 100 मीटर पर दूसरा लाल बत्ती अपना वेट कर रहा होगा, दिखाता हूँ, देखो ये लाल बत्ती खुली, लिबर्टी वाला लाल बत्ती खुला अपना, ठीक है, लिबर्टी का लाल बत्ती खुला और आगे 100 मीटर भी मुश्किल से होगा, सामने देखना है कि दूसरा लाल बत्ती अपना वेट कर रहा होगा, अभी तो ग्रीन दिख रहा है मुझे यहाँ से लाल बत्ती, 100 मीटर भी नहीं हुआ दूसरा लाल बत्ती ए रहा, तो दिल्ली में ऐसी होता है भाई बहुत ज़्यादा लाल बत्ती मिलेंगे और यहाँ पर अपने को रुकना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक रूल ब्रेक नहीं करने का। फोन रिकॉर्ड हो रहा है गाइस, भैया के देखो डोमिनार कितनी अच्छी लग रही है, बोले रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ ये पूरा सेटअप अलग से है, ये नॉर्मली इसमें गोप्रो भी आ सकता है बट फ़ोन के लिए ये वाला लगा रखे है होल्डर,
आपकी गाड़ी सही लग रही है, रेड कलर की डोमिनार। तो देखो भाई रेड लाइट नहीं खुला, बंदे जा रहे थे बट फाइनली खुल चुका। गाइस डोमिनार 250 वाले बाइक वाले भैया में ही होता है ब्रदरहुड। आपको जहाँ बाइकर मिलते हैं ना भाई, वहाँ आपको प्यार ही प्यार मिलता है। तो एक बाइकर गाइस बाइकर की फीलिंग समझता है कि भाई कितना अच्छा लगता है गाइस राइड करना। तो भाई ने पूछा सेटअप, बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला आपकी बाइक भैया बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो गाइस यही था पहला पॉइंट, मैंने कवर कर लिया। दूसरी बात करते हैं कि देखो आपको ट्रैफिक में चलते हो ना तो आपको स्लो स्लो चलना है, स्लोली भाई एक्सेलरेट करना है और स्लोली स्लोली ब्रेक लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सी स्पेस में ज़्यादा ब्रेक दे दिया या ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया, उससे क्या होगा आपका पावर वेस्ट हो जाएगा। आपने तेज थ्रॉटल दिया आगे जाके आपको ब्रेक ही मारना, तो भाई अपना इंजन का जो होता है पेट्रोल की फुकर, धीरे धीरे चलो ना, जितना स्पीड हो उतना बढ़ाओ वरना फिर स्लो चलो, इससे क्या होगा आपका पेट्रोल खत्म होगा। मान लो सामने थोड़ा सा स्पेस है, सामने गाड़ी जा रही है, मैंने फुल उसको ऐसा कर दिया भाई पावर ज़्यादा लग गई, सामने आके ब्रेक ही लगाना, तो ऐसा क्यों करने का भाई, स्लो चलो। और थर्ड अगर पॉइंट बात करोगे कि भाई ट्रैफिक में या फिर नॉर्मल रोड पे भी ओवर स्पीडिंग आपको कहाँ से करना चाहिए या फिर बोलेंगे ओवरटेक कहाँ से करना चाहिए, तो गाइज आपने सुना होगा कि ओवरटेक हमेशा राइट साइड से करते हैं। राइट साइड हो गया आपका ए वाला जो ऑटो जा रहा है सामने, इसको यहाँ से ओवरटेक करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो भाई इसके पीछे दो तीन रीज़न है। एक और लाल बत्ती आ गया। तो गाइज ओवरटेक करने का दो तीन रीज़न है। देखो राइट साइड में हमेशा होता है रास्ता बंद, बैरिगेटिंग होती है, तो राइट साइड एकदम से बंदा मुड़ नहीं पाएगा। दूसरा रीज़न हो गया कि आपका जो राइट साइड में होता है ना, इंडियन जितनी भी गाड़ी है कार वार हो गई सभी के हैंडल जो होते हैं भाई राइट साइड में होते हैं, इनकी विजिबिलिटी राइट साइड वाले मिरर में काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि देखो ड्राइवर उधर ही बैठा पड़ा है, वो सबसे पहले भाई देखता मुड़ने से पहले राइट साइड में कि राइट साइड में कोई गाड़ी आ नहीं आ रहा, फिर वो राइट साइड लेगा वरना नहीं लेगा। लेफ्ट साइड से बंदे मैक्सिमम ले ही लेते हैं, तो इसलिए राइट साइड से हमेशा ओवरटेक करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो रास्ता बंद होता है, कोई इस साइड मोड़ेगा नहीं एकदम से, और मोड़ देगा और मान लो अगर मोड़ना भी है उसने तो सबसे पहले भाई राइट साइड वाले मिरर में वो देखेगा फिर ही जाके मोड़ता है, और लेफ्ट साइड में ज़्यादातर मोड़ता नहीं। अगर आप गूगल भी करोगे तो ऐसा ही कुछ रीज़न दिखाएगा। ओवरटेक करते हो ट्रैफिक में भी करते हो या फिर नॉर्मल रोड पे भी करते हो तो भाई राइट साइड से करो, राइट साइड काफ़ी सेफ होता है। क्योंकि गाइस ये गाड़ी वाला देखो राइट साइड कहाँ जाएगा, इधर बैरिकेटिंग हो रही है एकदम से मोड़ेगा नहीं, लेफ्ट साइड आराम से दबा सकता है। चेक करो गाइस इसको बोलते हैं एंबेसडर। ये पुराने ज़माने में ना भाई, पुराने ज़माना भी नहीं बोलेंगे, अभी भी चली रही है 2023 आ गया जब भी दिख गई, कभी कभी दिखती है बहुत रेयर केस में, पहले बहुत चला करती थी। गाइस सुनने में आता है मुझे कि भाई इसके शॉकर होते हैं ना इतना ज़्यादा भाई सॉफ्ट होता है कि आप गड्ढों में निकलोगे ना ऊबड़ खाबड़ में बिल्कुल भी अंदर फील नहीं होता। सुनने में ऐसे आया, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, अगर आपको पता है तो भाई बताओ। इसका नाम है एम्बेसडर, पहले लोग काफ़ी यूज़ करते थे जैसे नेता होता हो गए, मैक्सिमम गाड़ियाँ यही यूज़ होती थी, अब तो बंद हो गए, लेकिन देखो अभी भी इक्का दुक्का दिख जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा। आप लोग बताना कैसा लगा आपको, मुझे पता था इसके बारे में एम्बेसडर बोलते, पीछे लिखा अभी आपकी ट्रैफिक में गाड़ियाँ बंद होती है। स्कूटी तो बहुत कम होती होगी बट जिनके पास बाइक है तो भाई उनकी गाड़ियाँ बहुत बंद होती। कैसे होती, मान लो क्लच का यूज़ करने उनको प्रॉपर तरीके से नहीं आता जो मैंने स्टार्ट किया है, तो उसमें गाइस गाड़ियाँ बंद होती, चाहे स्कूटी हो या फिर बाइक हो। स्कूटी कम होगी बाइक ज़्यादा होगी, तो आपको क्या करना, उसमें होपलेस नहीं होना। मान लो एकदम से लाल बत्ती खुली, ग्रीन हो गया, आपकी गाड़ी बंद हो गई और पीछे वाले बंदे हॉर्न देना स्टार्ट कर दिया आपको, अब भाई आप घबरा गए बिल्कुल, पीछे वाले बंदे बोलने लगे। ऐसा होता है गाइस, आपकी गाड़ी बंद होगी ना तो भाई आप घबरा जाओगे, पीछे वाले बंदे गाइस बोलना स्टार्ट कर देते कि भाई आगे ले आगे ले। तो उसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल भाई घबराना नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश वहाँ पे मत करना। अगर बाइक है तो आप जल्दी जल्दी ना होपलेस घबरा के ना गाड़ी स्टार्ट एक बार में नहीं होता, तो क्या करना आपको सिंपली गाड़ी से उतरना हो, कोई सी गाड़ी हो, बाइक हो स्कूटी, गाड़ी से उतरो, आराम से उतरो और गाड़ी को साइड कर लो, पहले गाड़ी को साइड कर लो फिर स्टार्ट करो। अगर बीच में स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना पीछे वाले बंदे हॉर्न देंगे बोलेंगे और आप ज़्यादा धीरे धीरे घबराते जाओगे फिर भाई दिक्कत होगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, बीच में नहीं लाना, ऐसे भाई नहीं लाया, कभी रेड लाइट क्रॉस मत करो। अपना ग्रीन था उसका रेड था जब भी बंदा आया बीच में, तो ऐसा नहीं करने का। और भाई गाड़ी उतर जाओ आराम से साइड लगाओ फिर स्टार्ट करो, कोई नहीं बोलेगा। अगर मान लो आपने बीच में स्टार्ट कर दिया गाड़ी स्टार्ट करना, स्टार्ट अगर नहीं हुई तो पीछे वाले बंदे ना गाइस काफ़ी मतलब एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, समझते हो ना ट्रैफिक में भाई ऐसा होता है बंदे एकदम से गुस्सा होने लगेंगे फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो ट्रैफिक में, और जैसे जैसे भाई आप चलाओगे ना आपका एक्सपीरियंस होगा, आप लोग अपने आप चीज़ें सीख जाओगे नए नए में, तो भाई दिक्कत होती है बट आप अगर वीडियो देखोगे वाले और इन सभी पॉइंट को कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखोगे ना तो ऐसा ऐसा हो सकता है ट्रैफिक में होता है, तो भाई काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें बातों का ध्यान रखो और जैसे जैसे राइड करोगे आपको एक्सपीरियंस होगा, भाई आप भी प्रो राइडर धीरे धीरे बनते चले जाओगे, नो डाउट। एक्सपीरियंस होता ना जो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें सीखने को आएगी। बस मैं आपको बता सकता हूँ क्या चीज़ें सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट काफ़ी ध्यान में रखोगे ना अपने माइंड में चलाते वक्त तो काफ़ी आपको हेल्प होगा।
और हेल्प होता ही है भाई लोग। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई होंगी, अगर कोई डाउट है आप लोग पूछो, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, हेल्प करूँगा आपकी। तो गाइज मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे भाई, क्योंकि हमारा गाइज टारगेट पता है ना भाई आपको 10K हिट करना अपने को। तो जाए Artificial love.